हम सर बनाते जाएंगे, ये सड़कें नापते जाएंगे। वजीर आजम के मुखालफीन पर भरपूर वार। ये मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं चला सकते, तुम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहो। वजीर आजम ने इस्तीफा देने से किया साफ इनकार। इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। हर बात में कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा? वजीर आजम मुखालफीन पर खूब गर्जे बरसे। तहरीक इंसाफ के जलसे को जलसी और नून लीग के उकाड़ा के जलसे को जलसा कहा। उनकी जलसी और ये जलसा जमीन आसमान का फर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर आजम का कहना था नवाज शरीफ जो वादा करता है वो भूलता नहीं। कारकुनों की बड़ी तादाद की आमद पर वजीर आजम भी खुश दिखाई दिए। मांगो क्या मांगते हो, अल्लाह देगा, अल्लाह आप पे मेहरबान है। इससे पहले वजीर आजम ने शेरगढ़ में भी जलसे से खिताब किया। शेरगढ़ और उकाड़ा में जलसों में खिताब से वजीर आजम सड़कों का जिक्र करना ना भूले। लोड शेडिंग पर वजीर आजम ने पिछली हुकूमतों को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, वो लोड शेडिंग के मुजब आज लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। वजीर आजम ने शेरगढ़ के लिए 1 अरब और उकाड़ा के लिए 47 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा मुखालफीन की किस्मत में सिर्फ एहतजाज करना है।